अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर मेंटर मोहम्मद तारिक। आज के वीडियो में मैं आपको SQL के बारे में बताने जा रहा हूँ। SQL जो है क्या है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। SQL जो है एक डेटाबेस लैंग्वेज है। डेटाबेस की जो थियोरेटिकल वीडियोज़ है वो डेटाबेस के पोर्शन में होंगे, वो डेटाबेस के प्लेलिस्ट में होंगे, और जो प्रैक्टिकल वीडियोज़ मैं बनाने जा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल के पोर्शन में होंगे। डेटी का जो सब्जेक्ट है वो डेटाबेस, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी है और थियोरेटिकल पार्ट भी है। तो आपने पहले थियोरेटिकल को सीखना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल को सीखना है। उसमें डेटाबेस को यूज़ करने का तरीका हम कैसे जानेंगे और उसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी हमें। सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, एक है XAMPP सर्वर और दूसरा है MySQL Workbench। अब इन दोनों सॉफ्टवेयर का जो डाउनलोड करने का तरीका है, इसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे और फिर उसका इंस्टॉलेशन का जो तरीका है उसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो आइए इस वीडियो में हम पूरा प्रोसीजर जो है देखने वाले हैं कि इन दोनों सॉफ्टवेयर को हम कैसे डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे और फिर इन दोनों सॉफ्टवेयर की आपस में कनेक्शन कैसे बनाएंगे। यानी जो काम मैं डेटाबेस में कर रहा हूँ, जो कोड मैं कर रहा हूँ, जो टेबल्स वगैरह कॉलम्स वगैरह मैं बना रहा हूँ, तो वो डेटाबेस में पीछे से कैसे सेव होगा, उसके लिए कनेक्शन कैसे बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने XAMPP सर्वर का इंस्टॉलेशन डाउनलोड करना है। आपने जस्ट लिखना है फ्री डाउनलोड XAMPP सर्वर, आपने फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये जो विंडोज़ है वो ओपन हो जाएगी। अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें तो आपने इस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी यहाँ से आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप लिनक्स से डाउनलोड करेंगे, और अगर आप एप्पल मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपने मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेलेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और आप लिनक्स वाले वर्जन को इंस्टॉल करें तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये यहाँ से आप जस्ट डाउनलोड क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली इसकी डाउनलोडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर जो है मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और इसका जो इंस्टॉलेशन का तरीका है, जस्ट नेक्स्ट 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 कर दे और उसके बाद और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ नेक्स्ट स्टेप्स आपने फॉलो करने और वो सही तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये इंस्टॉल है या इंस्टॉल नहीं है, तो आइए देखते हैं। आपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ आपने लिखना है लोकल होस्ट, LOCAL लोकल HOST, ओके, लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड। जिस तरह आप इस पर क्लिक करें तो आपका जो XAMPP सर्वर है वो इंस्टॉल हुआ है और यहाँ ओपन हुआ है। लेकिन इससे पहले, ओपन करने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने यहाँ पर XAMPP पे आना है और यहाँ जो है ये अभी जो है ये स्टार्ट नहीं है। ये देख ओपन हो गया ये विंडो आपके सामने, ये XAMPP सर्वर है, इसमें अपाची है, MySQL है, फिजिला है, मैक्यूरी और टॉमकैट जो है, ये सारे डेटाबेसिस है। तो हम कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, अपाची और MySQL का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले आपने इस स्टार्ट पर क्लिक करें, फिर उसके बाद इस स्टार्ट पर क्लिक करें तो आपके जो भी डेटाबेस आपके स्टार्ट, तो यहाँ ग्रीन हो जाएगी, ये भी ग्रीन हो जाएगी कुछ वक्त के बाद, लेकिन ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ऑप्शन जो है ग्रीन हुआ है। तो इसको आपने पहले स्टार्ट करना है, फिर वहाँ गूगल में आपने देना है लोकल होस्ट, LOCAL लोकल होस्ट एंड स्लैश डैशबोर्ड, आपने इसको सही तरीके से लिखना है। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो XAMPP सर्वर है वो ओपन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम MyPHP एडमिन में जाने हैं, हमने देख करना है कि डेटाबेस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जिस तरह इस पर मैं क्लिक करूं तो ये देख हमारे पास जो है डेटाबेस जो है वो ओपन हो गया। इसमें हम न्यू डेटाबेस बनाएंगे, मुख्तलिफ काम करेंगे इसमें, और जो है SQL लैंग्वेज इसमें हम लिखेंगे डेटाबेस, ये सारा प्रोसीजर जो है हम देखने वाले हैं इंशाल्लाह फर्दर वीडियोज़ में। आज के वीडियोज़ में मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि आपने XAMPP सर्वर को इंस्टॉल कैसे करना है और उसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये था XAMPP सर्वर का तरीका, इंस्टॉलेशन का तरीका। अब डेटाबेस तो है हमने इंस्टॉल कर दिया, लेकिन इसके लिए वो टूल्स जो हमें इसकी मतलब कोडिंग करनी है उसमें, वो है MySQL Workbench। MySQL Workbench को हमने कैसे डाउनलोड करना है, तो आप जस्ट लिखे MySQL.com के वेबसाइट में आपने जाना है, या आपने इस तरह करना है कि SQL MySQL मैंने लिख दिया, और ये फर्स्ट वन जो लिंक है आप यहाँ MySQL.com जो है इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये देख ये पूरा जो वेबसाइट है आपके सामने ओपन हो गया। आपने इस वेबसाइट से कैसे काम लेना है, कैसे डाउनलोड करना है, ये इसका डाउनलोड करने का तरीका है।
अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा होगा इंशाल्लाह, और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपने आने डाउनलोड के सेक्शन में, डाउनलोड के मेन्यू में आने, तो फिर आपके सामने एक इस तरह की मेन्यू यानी जो ओपन हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने नीचे आना है, माई एस क्यू एल कम्युनिटी जी पी एल में आपने ओपन करना है, ठीक है, डाउनलोड करना है। और फिर यहाँ जो है आपने आने माई एस क्यू एल वर्क बेंच, माई एस क्यू एल वर्क बेंच, इस पर आप क्लिक कर दें। जो जिस तरह आपको मैंने जेम सर्वर के बारे में बताया कि आपने हर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अपना अपना वर्जन डाउनलोड करना है, तो मैं विंडो इंस्टॉल करूँ तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर क्लिक कर दिया। अगर मैं कुछ और सॉफ्टवेयर मतलब लिनक्स, फेडोरा, मैकिंटोश और सोर्स कोड वाला इस्तेमाल करूँ तो मैं उसके मुताबिक जो है इसको डाउनलोड करूँगा। तो जिस तरह मैं इस पर यहाँ नीचे आके डाउनलोड पर क्लिक करूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि लॉग इन या साइन अप, आपने इन पर क्लिक नहीं कर रहे, आपने नीचे दे रहे नो थैंक्स। तो नो थैंक्स पर आप जिस तरह क्लिक करेंगे तो ये देख आपका जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ये मौजूद है, ठीक है, मैंने ये पहले से डाउनलोड करके रखा है। अच्छा, इसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, इंस्टॉलेशन का तरीका कैसे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये देख मेरे डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, और सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये इसका इंस्टॉलेशन का तरीका भी काफ़ी आसान है, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करने से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, वर्कबेंच का तरीका कार क्या होगा ये भी हम देखने वाले हैं कि वर्कबेंच को हम कैसे यूज़ करेंगे और उसका इस्तेमाल करने का तरीका कैसे है। पहले इंस्टॉल होने के बाद आपने देखना है कि मैंने डेटाबेस की जो कोड है वो हम कैसे लिखते हैं, तो मैंने फिनिश कर दिया, इसको ख़त्म हो गया। अब ये सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब ये काम कैसे करेगा, ये आपके सामने एक विंडोज ओपन होगी, ठीक है। अब इस विंडो को हमने कैसे यूज़ करना है, ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब ये वो सॉफ्टवेयर है माई एस क्यू एल वर्क बेंच जिसमें हम एस क्यू एल लैंग्वेज की कोड करेंगे, यानी डेटाबेस से हम डेटा उठाएंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे, ये सारा प्रोसेस जो है इसमें चला होगा। अच्छा, माई एस क्यू एल की एक कनेक्शन बनेंगी। कनेक्शन का मतलब क्या है कि ये जो जेम सर्वर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और ये जो माई एस क्यू एल वर्क बेंच सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इन दोनों के दरमियान हमने एक कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन का मतलब ये है कि जब मैं यहाँ कोड करूँ तो मेरा जो डेटा जो है वो पीछे डेटाबेस में चला जाए। तो इसके लिए इसका हमने इस प्रोसीजर के लिए हमने इसलिए ये दो सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर दिए, ठीक है। अब इसका कनेक्शन कैसे बनेगा, कनेक्शन काफ़ी आसान है। जस्ट क्लिक ऑन न्यू कनेक्शंस और यहाँ पर आपने देना है अहमद। मैंने अहमद के नेम से एक कनेक्शन नेम दे दिया। जस्ट आपने और ऑप्शंस को नहीं चढ़ना है, रूट को भी आपने नहीं चढ़ना, लेकिन सिर्फ आपने यहाँ स्टोर इन वॉलेट पर क्लिक करना है। जिस तरह मैंने इस क्लिक किया ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा और मैं इसको एक पासवर्ड दूंगा। जाहिर बात है डेटाबेस के लिए हमने पासवर्ड ज़रूर देना है। तो 1 2 3 4 5 मैंने 5 तक वैल्यूज़ दे दी और उसने मुझसे ले लिया और मैंने ओके कर दिया यहाँ, ठीक है। तो ये देख अहमद के नाम से एक कनेक्शन बन गया। अब हमने इस डेटाबेस को और माई एस क्यू एल वर्क बेंच को जो है आप इसमें कनेक्ट करना है। तो इसका जिस तरह मैं क्लिक करूं और यहाँ मैं एक पासवर्ड दे दूं 1 2 3 4 5, जिस तरह मैं ओके कर दूं, ठीक है, तो ये फिर मुझसे दोबारा 1 2 3 4 5 दोबारा मैंने ओके कर दिया। अब ये दोबारा मुझसे पासवर्ड, इसका मतलब है इसमें कुछ एरर है। अब इस एरर को हम कैसे फाइंड करेंगे, इस एरर को फाइंड करने के लिए जो तरीकाकार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो काफ़ी आसान है, आप भी उसको देखेंगे इंशाल्लाह अभी इस वीडियो में। तो आप इस तरह करें कि विंडो में आ जाएं और उसके बाद विंडो में जो है आपने सी फोल्डर में आना है। सी फोल्डर में आपने देखना है कि जो एक फाइल, एक फोल्डर होगी जिसको हम कहते हैं जैम्प, जैम्प के नाम से एक फोल्डर है, आप इसको ओपन करेंगे और फिर यहाँ माई पी एच पी एडमिन में आएँ और माई पी एच पी एडमिन में एक फाइल पड़ा हुआ है जिसका नाम है कन्फिग, कन्फिग के नाम से, ये कन्फिग आई एन सी पी एच पी, इस फाइल को आपने तलाश कर रहे हैं। इस फाइल का नाम आप देखिए कन्फिग आई एन सी पी एच पी, यू कैन सी है, और आपने फिर एक एडिटर का ओपन करना है। एडिटर का मतलब ये है कि जो जिसमें हम एच टी एम एल और सी एस एस की कोडिंग करती है वो हम इसमें ओपन करेंगे। तो आप सिर्फ जर्नल इस फाइल को यहाँ ड्रैग कर दें। जब भी आप इस फाइल को ड्रैग करें तो फिर यहाँ आपको एक फर्स्ट पोर्शन नज़र आ रहा है, अथेंटिकेशन टाइप एंड इन्फॉर्मेशन। अथेंटिकेशन टाइप एंड इन्फॉर्मेशन में आपने देखना है कि ये जो पासवर्ड है
पासवर्ड ये आप देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ पासवर्ड नहीं है, मैंने वहाँ 1 2 3 4 5 दे दिया लेकिन यहाँ पासवर्ड नहीं है। अब मैं यहाँ मैनुअली पासवर्ड दूंगा 1 2 3 4 5 क्योंकि इस एरर को ख़त्म करने के लिए। तो मैंने जस्ट सेव कर दिया, इसका मतलब है कि मैंने इस पासवर्ड को मैनुअली, समटाइम ये ऑटोमेटिकली ले रहे हैं लेकिन अगर इस तरह ना हुआ तो फिर आपने ये प्रोसेस चलाना है। तो उसको मैंने सेव कर दिया, इस फाइल को मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब जब भी माई एसक्यूएल में आ जाऊँ और यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो ये देख अब ये वो मुझसे पासवर्ड नहीं मांग रहा और एसक्यूएल और मतलब वर्कबेंच और जेम सर्वर का आपस में कनेक्शन बन गया। तो ये था सॉफ्टवेयर को कनेक्शन बनाने का तरीका कि हमने कनेक्शन कैसे बनाने और कनेक्शन जब हम बनाते हैं तो वो हम कैसे बनाते हैं। तो ये काफ़ी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने एसक्यूएल का जो प्रैक्टिकली कोड है वो हमने कैसे लिखना है, ठीक है। साथ साथ में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की कंपैरिजन भी किया करूंगा और इसकी भी मैं कंपैरिजन किया करूंगा। तो ये था सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन का तरीका जेम सर्वर की, और माई एसक्यूएल वर्कबेंच का जो तरीका है वो मैंने बता भी दिया, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आप इसमें इन दोनों का कनेक्शन है वो कैसे बनाना है, ठीक है। अब मैं जहाँ जो कुछ भी यहाँ लिख दूँ और मैं सेव करूँ तो पीछे से जो जेम सर्वर है इसके अंदर ये जो डेटा है वो सेव होगा। अगर आपका जेम सर्वर ऑन नहीं है तो आप इन डेटा को सेव नहीं कर सकते, आपका यानी सेव करने का जो डेटा है वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो डेटाबेस का मतलब यही है कि जहाँ पर हम डेटा सेव करते हैं, जहाँ पर हम डेटा स्टोर करते हैं। तो ये अभी मैं प्रैक्टिकली मैंने शुरू किया हुआ है, इससे आप फ़ायदा ले लें और सही तरीके से अपने MCQs पर्पसेस के लिए और अपने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो को इंशाल्लाह हम आगे भी मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा प्रैक्टिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप इस तरह करेंगे कि आप प्रैक्टिकली पार्ट भी देकर करें और थ्योरेटिकल पार्ट भी देकर करें ताकि आपको दोनों की समझ आ जाए। सो इस वीडियो में आपको सिर्फ इन दोनों सॉफ्टवेयर्स की इंट्रोडक्शन थी, बाकी हम उसमें काम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।